हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली मॉम नोस। दोस्तों, बच्चों का सॉलिड फूड स्टार्ट करना जो फेज होता है, जो 5th to 6th month होते हैं, 7th month होते हैं, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे को हम क्या खाने को दे रहे हैं, कैसे उस खाने को उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में दे रहे हैं, बच्चा उस फूड को कैसे ले रहा है, ये सब चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं। क्योंकि हम कहीं ना कहीं पूरा आधा से ज़्यादा टाइम बच्चों के 3-4 साल 5 साल तक यही परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ खाता नहीं है, उसको भूख नहीं लगती है, वो खाने के टूवर्ड्स को इंटरेस्ट नहीं शो करता, मुँह में जबरदस्ती खाना दो वो मुंह से खाना निकाल देता है, वो कुछ भी नहीं खाना चाहता है। तो ये जो दिक्कतें हमें कहीं ना कहीं आगे आती है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि हमने उसको खाना इंट्रोड्यूस कैसे किया था। क्योंकि इस टाइम पे बच्चों को बहुत कुछ समझ में अच्छे से आ जाता है, तो अगर उनको खाना जो आपने इंट्रोड्यूस किया है वो उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो उनका मन वहीं से ही खाने से मन हटने लग जाता है, जो कि आगे चल के उनको खाने के टूवर्ड्स दूर ही रखता है, जिसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आता खाने में। तो हमें ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हम जो बच्चों को पहला खाना दे रहे हैं वो ऐसा हो जिससे बच्चे का इंटरेस्ट बढ़े खाने के टूवर्ड्स, वो खुद भी खाने लगे मांग करके, या उसको अच्छा लगे जो भी आप उसको ऑफर कर रहे हो। तो आज इस वीडियो में आपके साथ सारे टिप्स शेयर वाले हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, जिससे बच्चा खाना अच्छे से खाए, और क्या क्या खाने के आइटम्स आप इस टाइम पे पर्टिकुलरली 6th month में, जब बच्चों को आप शुरू कर रहे हो खाना देना, उस टाइम पे बच्चों को क्या क्या खाने को दे सकते हो, कितनी क्वांटिटी में देना है, एंड किस टाइम देना बेस्ट रहता है, कितने टाइम दिन भर में देना है, वो सारी चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपका बच्चा 6th month का है या 6th month का होने वाला है, या आप उसको सॉलिड फूड स्टार्ट कर रहे हो, तो या आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है जो अभी 6-7 month के फेज का ही है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफी टिप्स मिलने वाली हैं जो आपको हेल्प करेगी बच्चे को खाना इंट्रोड्यूस करने में, और बच्चा जिससे खाने भी लगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि इस टाइम पे बच्चा ब्रेस्ट फीड तो बेस्ट ही रहता है, 1-2 साल आराम से उसको ब्रेस्ट फीड कराना है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ब्रेस्ट फीड ही रहनी चाहिए, फॉर्मुला फीड जो आप दे रहे हो उसके कंपैरेटिवली कोई भी फूड आइटम आपको नहीं रखना है कि हाँ बच्चे ने सॉलिड फूड स्टार्ट कर दिया तो हम ब्रेस्ट फीड कम कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ब्रेस्ट फीड आपको कराना ही है, वो सबसे ज्यादा एनर्जी बच्चों को प्रोवाइड कराता है, बेस्ट ग्रोथ देता है। हम सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं ताकि बच्चा धीरे धीरे फूड की टूवर्ड्स भी बढ़ने लगे ब्रेस्ट फीड को जब वो छोड़ेगा। तो इस टाइम पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे का पेट नहीं भरना है जो आप सॉलिड फूड स्टार्ट कर रहे हो उससे, सिर्फ उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हो कि ये खाने की भी जो चीज़ें होती हैं जिसको हमें बच्चे को सिर्फ टेस्ट डेवलप कराना है। तो इस चीज़ को लेकर परेशान मत होइएगा दोस्तों कि बच्चा हमारा खा नहीं रहा है, हमने उसके लिए आधी बाउल बनाया, वो नहीं खा रहा है, वो स्पून एक ही स्पून खा के रह जा रहा है, वो नहीं आगे टेस्ट कर रहा, तो ये सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि 6th month में बच्चा सिर्फ 1/4 ही बाउल का खाएगा, 1/4 ही क्वांटिटी खाता है। इसमें हो सकता है बच्चा पूरा का पूरा खा जाए, हो सकता है बच्चा सिर्फ आधी स्पून भी खाए, तो दोनों ही केस में आपको अच्छी सक्सेस मिल रही है, अच्छी स्टार्टिंग, क्योंकि बच्चे ने कम से कम टेस्ट किया है, उसको एक टेस्ट नया गया है ब्रेस्ट फीड के अलावा, तो आपको वो कैरी ऑन करना है, हर थोड़े टाइम पे उसको ट्राई करिए। या कुछ पेरेंट्स के ऐसे भी कमेंट है मेरे पास जिससे कि बच्चे को हमने कुछ चीज ट्राई करी है बट वो बिल्कुल नहीं खाता है, वो दूध का आइटम कुछ नहीं खाता, या कुछ ऐसी कोई भी वेजिटेबल है जो वो नहीं खाता, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपने बनाई है एंड बच्चे ने टेस्ट भी नहीं करी है। तो दोस्तों, आपको वहाँ स्टॉप नहीं करना है, ये मान नहीं लेना है कि वो बच्चा मेरा उस वो खाता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने अगर बच्चे को दिया है, अगर उसने नहीं खाया है, तो आप उसको शाम को फिर से ट्राई करो या नेक्स्ट डे उसको फिर से ट्राई करो, हर 2-3 दिन में उसको ट्राई करो जब तक कि उसका वो टेस्ट उसको डेवलप ना हो जाए। कोई भी ऐसी चीज़ मत रखो दोस्तों जो बच्चा हमारा तो ये खाता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको हर थोड़े टाइम में उस चीज़ को अगेन ट्राई करते रहना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि बच्चा ब्रेस्ट फीड से सीधा हमारा आ रहा है सॉलिड फूड पे, तो आपको जो कंसिस्टेंसी है जो खाने का जो आप दे रहे हो वो बिल्कुल प्यूरी के फॉर्म में रखनी है, बिल्कुल पतली रखनी, क्योंकि बच्चा एकदम से जो फीड ले रहा है वो बिल्कुल पतला रहता था पानी जैसा, और वो एकदम से आप सॉलिड फूड दोगे उसको तो वो बच्चे को लेने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो ऐसा फूड आइटम देना है जो स्वीट हो, मीठा हो और प्यूरी के फॉर्म में हो। दोस्तों, मीठा एंड प्यूरी के फॉर्म में आप सोचोगे तो बेस्ट आइटम चीज़ हमारे जो बच्चों को आप दे सकते हो वो होती है फ्रूट की प्यूरी। फ्रूट की प्यूरी से बेस्ट कुछ भी नहीं है 6th month के बच्चे को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो आप कोई भी फ्रूट ले लो, उसको इंट्रोड्यूस करा सकते हो, आप बनाना दे सकते हो, बनाना बेस्ट है वेट गेन के लिए, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स वेट गेन को भी लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं, तो आप वेट गेन में भी काफ़ी हेल्प करता है। बनाना की प्यूरी दे सकते हो, एप्पल की प्यूरी दे सकते हो, पियर की दे सकते हो, प्रूंस दे सकते हो, एवोकाडो दे सकते हो, एवोकाडो आपका कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है।
तो इस तरीके के जो फूड्स फ्रूट हैं उनको आप दीजिए, उनको कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ थोड़ा सा पानी लेकर के उनको अच्छे से वॉश कर लो पहले फ्रूट्स को, उसको पील करके छोटे छोटे कट चॉप करके उसको आप बॉईल कर दो अच्छे से, बहुत थोड़े से पानी में, आधे कप पानी में बॉईल करके स्टीमिंग टाइप का प्रोसेस करके उसको ब्लेंड कर दीजिए अच्छे से, बिल्कुल ब्लेंड करके आप बच्चे को दे सकते हो। वो स्टार्टिंग में 2 से 3 स्पून भी खा रहा है, 1 स्पून भी खा रहा है तो इनफ है, आप बस थोड़ा थोड़ा कोशिश करके उसको देने की कोशिश करो। 1/4 क्वांटिटी 1/4 बाउल से ऊपर आपको नहीं देना है इस टाइम पे, धीरे धीरे ही ट्राई करते रहना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि और क्या फूड आइटम्स हैं जो हम आप बच्चों को फ्रूट के अलावा दे सकते हैं। तो इस टाइम पे फ्रूट के अलावा आप बच्चों को दाल का पानी दे सकते हो, चावल का पानी दे सकते हो, कि बच्चे जनरली इस चीज़ को नहीं पसंद करते, बट डिपेंड करता है अगर आपके बच्चे आराम से उसको ले रहा है, उसको अच्छा लग रहा है तो आप दे सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप मूंग की दाल बेस्ट रहती है इस टाइम पे देने के लिए, येलो वाली आप उसको दो, मूंग की दाल बिना छिलके वाली बच्चों को दो, वो बेस्ट रहेगी। मूंग की दाल दे सकते हो उसको, आप सेरेलैक दे सकते हो, सेरेलैक में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं, हमने ऑलरेडी वीडियो शेयर की है सेरेलैक आपको किस तरीके से देना है जो बच्चों को नुकसान नहीं करे, या आप घर का भी बना दे रहे हो तो वो भी काफी बेस्ट रहता है। तो आप सेरेलैक दे सकते हो बच्चों को, आप फ्रूट की प्यूरीज भी दे सकते हो, अगर बच्चा आपका बाकी सारी चीजें अच्छे से डाइजेस्ट कर रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है, तो आप उसको वेजिटेबल की भी प्यूरी दे सकते हो, आप उसको पोटैटो की प्यूरी दे सकते हो, पम्पकिन दे सकते हो, पम्पकिन की प्यूरी दे सकते हो, स्वीट पोटैटो काफी अच्छा है वेट गेन में, आप उसकी प्यूरी दे सकते हो। तो इस टाइप के आप फूड आइटम्स भी बच्चों को दे सकते हो। इसके अलावा आप उसको रागी दे सकते हो, आप उसको फ्रूट अगर प्यूरी दे रहे हो तो फ्रूट की प्यूरी इसका मिक्सचर भी दे सकते हो, जैसे एप्पल और पियर, तो उसका दोनों को एक साथ की भी प्यूरी बना के दे सकते हो। तो इस तरीके के वेरिएशंस आप कर सकते हो, तो आपको ऐसा देखना है, बस कुछ भी दे रहे हो तो बस ये ध्यान रखना कि उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी पतली होनी चाहिए, एंड बच्चा इस टाइम पर कम ही खाएगा, इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। एंड आप जो भी चीज़ें बना रहे हो कोशिश करो दोस्तों उसको बिल्कुल साफ सुथरा हाइजीनिक ही बनाओ, हर चीज़ को वॉश करके अच्छे से फिर उसको दो। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि पेरेंट्स को क्वेश्चन होता है कि मैम हम 6 मंथ में कितनी बार बच्चों को सॉलिड फूड दे सकते हैं। तो सॉलिड फूड आपको बच्चे को सिर्फ एक टाइम ही देना है 6 मंथ में, 7 मंथ में हम उसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 6 मंथ में सिर्फ एक टाइम दीजिए, और कोशिश करिए दिन के टाइम दे या लंच में दे, क्योंकि बच्चे को कोई भी किसी तरीके की एलर्जी उससे होगी तो उसका हमें आइडिया लग सकता है। तो आप कोशिश करो कि उसको मॉर्निंग या आप उसको आफ्टरनून में ही नई चीज़ ट्राई करो, और जो भी ट्राई करो कोशिश करो फर्स्ट फूड होना चाहिए, क्योंकि दिन भर बच्चा रात भर सोने के बाद बच्चा को मॉर्निंग में भूख लगती है, हालांकि वो पूरी रात फीड लेता है, बट मोस्टली जब आप उसको 11-12 बजे के टाइम दिन में दोगे तो वो चांसेस ज्यादा होते हैं कि बच्चा आराम से उस फूड को ट्राई करेगा एंड उसको खाएगा। तो ये चीज आपको ट्राई करनी है दोस्तों। इसके बाद आप दिन में इसको एक ही बार दीजिए, और एक फूड आइटम को कम से कम 2 बार तो 2 दिन तक कंटिन्यूसली दीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट ट्राई करिए, फिर नेक्स्ट आइटम को 2 दिन चलाइए, फिर इस तरीके से वेरिएशन करते करते उसका 6 मंथ आराम से जाएगा। आपको बस सारी चीजें धीरे धीरे ट्राई करनी है, ये नहीं करना है कि हम बस उसने स्टार्ट कर दिया तो उसको सारी फूड चीज़ें ट्राई कराते, जो ऐसा नहीं करना है, पेशेंस रखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे उसका टेस्ट डेवलप होता जाएगा वैसे वैसे वो नई नई चीज़ें ट्राई करता जाएगा। फोर्सफुली कोई चीज़ कर बिल्कुल मत करिएगा, बच्चा नहीं खा रहा है उस टाइम पे ड्रॉप कर दीजिए उसको, थोड़ी देर बाद ट्राई करिएगा। फोर्सफुली जहां आपने एक भी स्टेप लिया उसको जबरदस्ती देने का, आप देखोगे कि बच्चा खाने से दूर ही हटेगा, खाने के टुवर्ड्स इंटरेस्ट उसका खत्म होता जाएगा। तो इन स्टेप्स को बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा, और जो हमने आपके साथ फूड आइटम शेयर की है उसको उसके डाइट में इंक्लूड करिए, देखिएगा उसका वेट गेन भी होगा जब अच्छे से वो खाएगा, तो उसका वेट गेन होगा। ब्रेस्ट फीड पे फोकस जरूर रखिएगा दोस्तों, और देखिएगा बच्चे का अच्छी सी ग्रोथ होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, बाकी पेरेंट्स के साथ शेयर करिएगा दोस्तों, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।